धाकड़ के बाद एक बार फिर से ही कंगना रनौत सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। उनकी और राघव लॉरेंस की फिल्म चंद्रमुखी 2 सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। लाइका प्रोडक्शन में बनी चंद्रमुखी 2 ओरिजिनली तमिल भाषा की फिल्म है, लेकिन इसे मेकर्स ने तेलुगु और हिंदी भाषा में भी 28 सितंबर को रिलीज किया है। कंगना रनौत के करियर की ये फिल्म पहली ऐसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है। हिंदी भाषा में ये फिल्म द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3 को टक्कर देती हुई नजर आई है। पी वासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म से कंगना रनौत डर का लेवल हाई करने में कामयाब रही या नहीं, चलिए जानते हैं ट्विटर यूजर्स का इस पर क्या कहना है। कंगना रनौत की लास्ट रिलीज धाकड़ में एक्ट्रेस के एक्शन अवतार ने भले ही फैंस को बहुत ज्यादा इम्प्रेस ना किया हो, लेकिन चंद्रमुखी 2 के साथ उन्होंने बॉलीवुड क्वीन के ताज पर फिर से पा लिया है। ट्विटर पर यूजर्स चंद्रमुखी बनी कंगना के अभियान की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा है कि चंद्रमुखी का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही फायर है। कंगना रनौत ने फिल्म में शानदार अभिनय किया है। मूवी में कई डरा देने वाले सीन हैं और कई क्लाइमेक्स तो बहुत ही शानदार है। चंद्रमुखी 2 आप देख सकते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा है कि चंद्रमुखी 2 देख करके उठा हूँ, ये फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। इंटरवल के पहले तो फिल्म अच्छी ही है, लेकिन सेकंड हाफ में कंगना रनौत ने फिल्म से हर किसी को जोड़े रखा है, बहुत ही शानदार फिल्म है। एक अन्य यूजर ने कंगना रनौत और राघव लॉरेंस की फिल्म की तारीफ करते हुए इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की थी वो ब्लॉकबस्टर तूफान बनकर आ गई है। आपको बता दें कि हिंदी बेल्ट में रिलीज होने की वजह से फिल्म फुकरे 3 और विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर को टक्कर देगी चंद्रमुखी 2। अब चंद्रमुखी 2 हिंदी बेल्ट में इन दोनों फिल्मों से अच्छा बिजनेस करती है या फिर पिछड़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी।